अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड एप्पल आइसक्रीम। ये रांदेर की फेमस है, अनूस की आइसक्रीम। मैं ये मलाई वाली बनाऊंगी। आप इसको सीताफल आइसक्रीम बोले, अनूस की आइसक्रीम बोले या कस्टर्ड एप्पल आइसक्रीम बोले। इसके लिए मैंने लिया हुआ है 3 लीटर जितना मिल्क। इसको मैं बॉयल करूँगी और 1/2 लीटर जितना इसको मैं बॉयल कर लूँगी ताकि ये 2.5 लीटर जितना हो जाए। हमने इतना बॉयल करना है कि 2.5 लीटर हो जाए, मगर इसमें चमचा चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे लगे ना। इसके अंदर 200 ग्राम जितना हमें क्रीम चाहिए, फ्रेश क्रीम, शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से। ये 1/2 कप दूध के अंदर मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना कस्टर्ड मिला दिया है और इसको मिक्स कर लिया है। इसमें जितनी ज़रूरत होगी मैं मिलाऊंगी, अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं ज़्यादा मिलाऊंगी। सो ये अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसको भी लेना है। 1/2 टीस्पून जितना इसमें जाएगा वनीला एसेंस। ये कस्टर्ड एप्पल अनूस जिसको बोलते हैं, इसको मैंने साफ़ कर लिया, इसमें से बीज निकाल के। इसके सिर्फ पल्प है। और मलाई आपको जितनी पसंद हो आप उतनी मिलाए। ये इंडिया पाकिस्तान में बहुत ईजिली अवेलेबल होती है, फ्रेश दूध की जो होती है वो। अगर ये आपके पास नहीं है आप क्लॉटेड क्रीम ले लें, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्लॉटेड क्रीम इस तरह के पैक में मिल जाता है आपको ईजिली। मैंने इसके लिए दूध गर्म करने रख दिया है। दूध थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा, 2.5 लीटर जितना हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें शुगर मिलाऊंगी ताकि टेस्ट मेरा जो चाहिए, मुझे जितनी शुगर चाहिए उतना हो जाए। मैंने तकरीबन 1/4 लीटर से 1 लीटर जितना मिल्क जलाया। अब मैं इसके अंदर मिलाऊंगी वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून जितना। और मैं इसमें मिलाऊंगी शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने इसके अंदर 8 टेबलस्पून जितनी शुगर मिलाई। मैंने टेस्ट कर लिया, मेरे लिए ओके है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिला दें। अब ये अच्छे से शुगर इसमें मिक्स हो गई है। मैंने ये कस्टर्ड पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये बॉइलिंग में ही मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर मिलाऊंगी। अब मैं इसको थोड़ा बॉयल होने दूंगी, फिर चेक करूंगी कि मुझे कितने की ज़रूरत है और कितनी थिकनेस चाहिए, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर बॉयल होकर थोड़ा गाढ़ा होता है। ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है। मैंने इसके अंदर सब मिलाकर 5.5 टेबलस्पून जितना कस्टर्ड पाउडर दूध में घोल के मिलाया और बॉयल भी आ गया है। अब बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। अब इसको मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको पूरा रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी, मगर इसको थोड़ी थोड़ी देर में मैं चमचा चलाती रहूँगी ताकि इसके ऊपर जो मलाई जमती है वो नहीं जमे। हमें इसके अंदर गुठलियाँ नहीं चाहिए, स्मूथ कस्टर्ड चाहिए। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में आप हिलाते रहें ताकि इसके ऊपर वो जो लेयर ना बने। हमारा कस्टर्ड बिल्कुल अच्छे से कूल डाउन हो गया है। मैंने थोड़ी देर फ्रिज में भी रख दिया था ताकि बिल्कुल अच्छे से रूम टेम्परेचर हो जाए और थोड़ा कूल डाउन हो जाए। अब हम इसके अंदर मिला देंगे क्रीम। आपको जितना चाहिए उतना मिलाए। मैं तकरीबन 200 ग्राम जितना मिला रही हूँ और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको क्रीम नहीं मिलाना हो और मलाई आपके पास हो अवेलेबल, तो उसको भी आप बीट करने के बाद इसी तरह से मिला सकते हैं। क्रीम मिक्स होने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये कस्टर्ड एप्पल का पल्प। ये मेरे पास तकरीबन 450 ग्राम जितना पल्प है, मगर मैं इसको चेक करते हुए मिक्स करूंगी। मैं अभी 1/4 मिक्स कर रही हूँ, 300 ग्राम जितना। मैंने सारा 450 ग्राम जितना मेरे पास जो पल्प था कस्टर्ड एप्पल अनूस या सीताफल का, वो मैंने इसके अंदर मिला दिया और मिक्स कर लिया। अब ये फ्रीज होने के लिए रेडी है। अगर आपके पास आइसक्रीम मेकर है तो आप इसी तरह से इसको आइसक्रीम मेकर में मिला सकते हैं, डाल सकते हैं और बना सकते हैं आइसक्रीम। अगर नहीं है, आपने फ्रीज़र में जमानी है, तो आप इसको एक कंटेनर में निकाल लेंगे। जब आप कंटेनर में इसको निकाल लेंगे तो आपने इसके ऊपर क्लीन फिल्म लगानी है और बिल्कुल इस तरह से कस्टर्ड के ऊपर बिल्कुल लगा के इसको फ्रीज करें ताकि इसके अंदर एयर ना जाए और इसके अंदर क्रिस्टल ना बने। ये 2-3 घंटे फ्रीज हो जाएगी, इसके बाद इसको आप इसके अंदर मलाई मिलाएंगे। जब आप कंटेनर में इसको निकाल लेंगे तो आपने इसके ऊपर क्लीन फिल्म लगानी है और बिल्कुल इस तरह से कस्टर्ड के ऊपर बिल्कुल लगा के इसको फ्रीज करें ताकि इसके अंदर एयर ना जाए
और इसके अंदर क्रिस्टल ना बने, ये 2-3 घंटे फ्रीज हो जाएगी, इसके बाद इसको आप इसके अंदर मलाई मिलाएंगे। मलाई को इस तरह से कोई भी प्लेट में लगाकर आप फ्रीज कर ले, जब ये सख्त हो जाएगी तो आप आइसक्रीम में इजीली डाल सकते हैं। अगर आप आइसक्रीम मेकर में बनाते हैं आइसक्रीम, तो इस स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर मलाई मिलाना स्टार्ट कर दें। ये रेडी है हमारी सीताफल आइसक्रीम। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।